चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये वीडियो मैंने पहले भी क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी थर्ड ईयर में बना दी थी, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं और ये वाली वीडियो यहाँ पर भी करेंगे। और इसलिए ये खास बात है कि यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और उनके ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजनबर्ग ने क्या बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, समझ लो ये एक ऑर्बिट है एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, समझ लो इसका ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी वेलोसिटी और इसकी जो है हम पोजीशन इकट्ठे नहीं देख सकते, कभी भी नहीं नोट डाउन कर पाएंगे आप एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है और उसकी इस वेलोसिटी कितनी, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी। तो मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखता हूँ, दैट इट इज नॉट पॉसिबल, हिजनबर्ग स्टेट्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब पूरी एक्यूरेसी के साथ हम कभी भी नहीं डिटरमिन कर पाएंगे कि एक जो है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्पीड कितनी है और उसकी पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ पर वो है और वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैथमेटिकली मैं इसे प्रेजेंट करूँ, मैथमेटिकली मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन दी मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम भी लिख सकते हैं, दैट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाय 4 पाई। यहाँ पर 4 पाई है, पिछली वीडियो में 2 पाई था, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। मोमेंटम को आप वेलोसिटी में लिख सकते हैं, एम भी लिख के। यहाँ पर अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है तो मास को हमेशा बाहर रखेंगे, एच अपॉन 4 पाई, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन सॉरी एच अपॉन 4 पाई। तो ये दो फॉर्मूले आपके आ सकते हैं, ओके। अब हमने पढ़ना है कि यहाँ पर ये कैसे हुआ कि ये डिटरमिन क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि देखो जब भी आपके पास समझ लो ये डेल्टा एक्स बहुत कम है, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत ज़्यादा कम है, मतलब पोजीशन को आप एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हो, तो अगर एक चीज़ कम हो जाएगी, ये कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है, तो ये चीज़ बढ़ जाएगी। अगर इफ डेल्टा एक्स इज लेस तो डेल्टा पी इज मोर, और अगर डेल्टा पी इज लेस है मतलब मोमेंटम को आप डिटर्मिन कर पा रहे हो तो डेल्टा वी और डेल्टा एक्स इज मोर, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो ज़्यादा बढ़नी ही बढ़नी है, इसलिए हम दोनों को इकट्ठे कभी भी जो है मेजर नहीं कर पाते। सो ये था हमारा एक छोटा सा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में दैट व्हाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाते। सो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, तो देखो व्हाई कैन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, हमें पता है कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, दैट इज ऑफ द नियरली 10^-15 मीटर का इसका ऑर्डर होता है न्यूक्लियस के रेडियस का, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है वो भी हमारी इतने ही ऑर्डर की रहेगी, 10^-15 मीटर के ऑर्डर की रहेगी, और हमें पता है दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। तो मैं इसमें पुट करता हूँ सिंपली, तो ये डेल्टा वी इधर रख लेते हैं, एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स यहाँ पर रख देते हैं। तो एच की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू सिंपली होती है 6.6 × 10^-34, है ना। 4 × π की वैल्यू क्या होती है 3.14, ये तुमने पढ़ा ही हुआ। एम की वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10^-31 kg, एंड स्पीड की जो है ये हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 10^-15 meters, ठीक है। ये तो हमने अभी देखी है। तो इनको सबको सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि डेल्टा वी जो है अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, अगर ये अनसर्टेनिटी पोजीशन बहुत ज़्यादा छोटी है तो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी कितनी आएगी, दैट इज 5.77 × 10^10 meter per second।
तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है ना, 5.77 × 10⁻¹⁰ मीटर पर सेकेंड। मतलब अब हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो इससे भी ज्यादा बड़ी होगी, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा। अगर वेलोसिटी बड़ी हो जाए तो क्या उस पर डिटरमिन कर सकते हैं, कभी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं देख सकते, बिकॉज उसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा होती है कि हम कभी भी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। सो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो आपको आई थिंक समझ आ गया। अब हम करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आपको इसका क्लियर कट ईजी याद हो जाएगा। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, आप ना एग्जाम में जाने से पहले कुछ वैल्यूज को ना जैसे रट लेते हैं ना थोड़ा सा, यहाँ रट्टा मार लो ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, क्योंकि देखो केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थोड़ा थोड़ा कई बार लर्निंग करनी पड़ती है। जैसे हम फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से हमें कई बार कुछ वैल्यूज को भी याद करना पड़ता है। तो ये हमें पता है एच अपॉन 4 पाए, या एच अपॉन 4 पाए तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है, तो ये लर्न कर सकते हैं। नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉन का आ रहा है तो एच अपॉन 4 पाए m की वैल्यू भी हम याद करके जा सकते हैं, ठीक है ना। एच अपॉन 4 पाए m की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये 577 के करीब करीब है, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आपको एग्जाम में ज़्यादा कैलकुलेशन करने में टाइम ना लगे। बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग कि नेट के एग्जाम जो होता है हमारे पास, UGC नेट का जो आपका CSIR नेट है, उसमें आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता। तो कैलकुलेटर नहीं है तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन में तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार कैलकुलेटर अलाउ कर देते हैं, बट लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी कैलकुलेटर अलाउ नहीं करती है। सो आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी राइट द न्यूमेरिकल्स हियर। अब देखो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के पहले आप खुद सॉल्व कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके इस पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए। एंड इस क्वेश्चन में देखो 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन टिक करना है, तो आप इसको पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए। सो उसके बाद मैं करवाता हूँ, तब आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%। मतलब हमारे पास डेल्टा वी क्या है कि 500 जो है उसमें अनसर्टेनिटी 0.02% है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है कि 500 × 0.02 / 100। तो यहाँ पर 100 से 100 कट गया, 5 × 2 = 10 होता है, तो इट इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ गई। एंड हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज 10⁻¹⁹ × 10⁻³¹ तो हमारे पास एच की वैल्यू भी हमें पता है। तो सिंपली सी से फॉर्मूला लगाएंगे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच पॉन 4 पाए m, ठीक है ना। तो हमारे पास डेल्टा वी है, तो सीधा एक डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच क्या है, 6.62 × 10⁻³¹ है ना, अपॉन 4 × 3.14 × m। m की वैल्यू क्या है, सीधी है 9.1 × 10⁻³¹। एंड डेल्टा वी हमारे पास 0.1 आ गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है इट कम्स आउट टू बी 5.77 × 10⁻⁴ मीटर, है ना। अब देखो इन ऑप्शन से तो कोई भी वैल्यू मैच नहीं करी, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन लिखते हैं। देखो 577 है, अगर मैं इसको सिंपली अगर माइक्रोमीटर्स में चेंज करूँ, ठीक है, अब ये नैनोमीटर्स में चेंज होने का, 5 माइक्रोमीटर्स में चेंज करें तो 577 × 10⁻¹ हो गया, है ना, × 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया 577 माइक्रोमीटर। अब इसको 500 लगाने के बजाय 600 लगाएंगे, क्योंकि 600 जो है इसके करीब है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी याद कहा था कि ये वैल्यू आप इसका जो है याद कर लीजिए, ठीक है ना। दैट इज 5.77 × 10⁻⁴ जो है हमारे पास 4 आ गए, ठीक है, नहीं सॉरी 5.77 × 10⁻⁵ आ जाएगा ये अकेली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अब 0.1 से डिवाइड करो तो सिंपली 5.77 × 10⁻⁶ आ गया, तो दैट इज 600 माइक्रोमीटर। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इजी हो गया ना। तो देखो कितने दिखने वाले कि टफ से न्यूमेरिकल होते हैं, बट लेकिन होते कितने इजी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सीधे दे दिया कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अनसर्टेनिटी निकालो, और गिवन क्या है, डेल्टा एक्स जो है दैट इज 10 ± 10 पिकोमीटर, ठीक है। तो आप सिंपली अब ये वाला फॉर्मूला को फिर से मॉडिफाई करेंगे, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, इट इज एच अपॉन 4 पाए m,
डेल्टा एक्स, ठीक है ना, सीधे से क्वेश्चन है। एंड हमें पता है कि ये 10 पिकोमीटर है, ओके। तो 10 × 10^-12 मीटर आ जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पर सीधा पुट कर दूंगा कि ये क्या होगा, 6.62 × 10^-34। ये वैल्यू आप फिर से याद कर लो ना, 5.77 × 10^-5, ठीक है। तो इंटू 3.14 इंटू 9.1 × 10^-31। एंड जो है ये क्या है, दैट इज 10 × 10^-12 मीटर्स, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि ये वैल्यू क्या है, 5.77 × 10^-5। और उसमें आप ऐड कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो गए, ये 11 हो गए। तो 5 में जो है हम 11 ऐड करेंगे, मतलब 11 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ 5.77 × 10^-5, एंड ये वाली वैल्यू का लिख दिया × 10^-11, ठीक है ना। सॉरी, ये माइनस में, तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये 11 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली ये पावर्स को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.77 × 10^-6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कितना इजी वे से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दो दो करवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करवा रहा, ताकि आपको बोरिंग भी ना हो और आपको समझ भी सारा कॉन्सेप्ट आ जाए। मैंने अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन ही पकड़े हैं कि आपको हर तरह के क्वेश्चन मैं करवा दूँ इन वीडियोज़ में। सो यहाँ तक हम आज के लिए स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की है। अगर आप चाहते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पहले ही देखना चाहते हैं, तो आप लैप्लेशियन ऑपरेटर वाली एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने वीडियो बनाई हुई है क्वांटम मैकेनिक्स PSE 3rd करके, तो वो वीडियो मैं इस प्लेलिस्ट में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।